हाय एवरीवन, स्वागत है आज एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज जो अपन अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं वो मेरे पास दो फोन है। पहला जो मॉडल आप देख पा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M14 4G फोन है। उसके साथ बात करते हैं दूसरे मॉडल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीवो Y18 4G फोन है। और बात करते हैं इन दोनों फोनों की रैम की, इन दोनों फोनों में आपको रैम देखने को मिलती है 4GB की रैम है, उसके साथ 64GB का रोम है। और यहाँ पे जो आप वीडियो देखने वाले हैं कंपटीशन कंपेयर में करने वाला हूँ इन दोनों मॉडलों की। और यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों फोनों की बैटरी की। यहाँ पे इन दोनों फोनों में जो बैटरी आपको देखने को मिलती है 5 mAh की बैटरी दी गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फोन के बॉक्स है दोनों स्लिम बॉक्स है, इसमें आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है। और जो आपका सैमसंग का फोन है ये आपका 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और वहीं जो आपका वीवो का फोन है 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आपको इन दोनों फोनों में चार्जर मार्केट से लेने पड़ेंगे या आपके पास घर पे पहले से रखे हो आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों फोन के फीचर। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों फोनों की प्राइस की। आपका जो फोन है दोनों आपके सेम प्राइस में फोन आते हैं। यहाँ पे आपका जो फोन का प्राइस है 8999 रुपये की रेंज में फोन आता है। और सैमसंग के फोन आप देख पा रहे हैं बैक में कुछ हाइट फीचर दिए गए हैं, और वही जो आपका वीवो का फोन है इसमें इस साइड में आपको यहाँ पे इसके फीचर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सैमसंग के फोन आपको बैक साइड में दिए गए हैं। और अभी इस बॉक्स को मैं करता हूँ ओपन। ये आपका वीवो का फोन का बैक लुक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने गैलेक्सी M14 उसके साथ वीवो Y18 जो बॉक्स का फ्रंट लुक है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और वहीं वीवो के बॉक्स में आपको देखने को मिलती है एक सी टाइप की डाटा केबल दी गई फोन को चार्ज करने के लिए, जिन्हें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ आपको मिलती है इसमें सिम जैक पेन दी गई है, और वहीं आपको मिलता है डिवाइस जिसका बैक लुक बहुत ही प्यारा दिया गया है वीवो का है कुछ इस तरीके से। और दूसरा मॉडल आपके सामने है सैमसंग। सैमसंग के बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक सिम जैक पेन दी गई है, आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ आपको मिलती है एक C2C केबल दी गई है फोन को चार्ज करने के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C2C केबल है, ये डिवाइस है हमारा। बात करते हैं डिवाइस की बैक लुक की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फोन का बैक लुक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों फोनों के जो बैक लुक है, सैमसंग के फोन में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, और वही जो आपका वीवो का फोन है इसमें आपको बैक में डबल कैमरा देखने को मिलते हैं। और दोनों फोन में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और उसके ऊपर आपको मिलता है वॉल्यूम डाउन के बटन दी गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैमसंग के फोन आपको सेकेंडरी माइक मिलता है, और वीवो के फोनों ऊपर आपको साउंड जैक दिया गया है, और दोनों फोनों में आपको साइड में मिलता है सिम स्लॉट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों फोनों के जो सिम स्लॉट है, यहाँ पे आप इसमें 3 स्लॉट दिया गया है, इसमें आप सिम 1 सिम 2 और एक इसमें आप SD कार्ड भी डाल सकते हैं 3 स्लॉट के साथ ये फोन आते हैं। और वही जैसे हम नीचे बोलाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैमसंग के फोन आपको 3.5 mAh ईयरफोन जैक, माइकोल सी टाइप चार्जिंग जैक, साउंड जैक दिया गया है। और वीवो के फोन आपको मिलता है माइकोल सी टाइप चार्जिंग जैक, 3.5 mAh ईयरफोन जैक दिया गया है, और इसमें साउंड ऊपर की ओर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्प्ले का साइज है, सैमसंग के फोन में आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और वही जो आप देख पा रहे हैं वीवो का फोन इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले है, ये आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले साइज। सैमसंग के फोन में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ पे आपको PLS LCD डिस्प्ले दी गई जो आपकी 90Hz के साथ आती है। और बात करते हैं सैमसंग के फोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो यहाँ पे आपको 81.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है जो आपकी 1080x2400 पिक्सल दिए गए हैं। और बात करते हैं डिस्प्ले की यहाँ पे आपको PPI की डेंसिटी की, तो यहाँ पे आपको 394 PPI डेंसिटी के साथ डिस्प्ले देखने को आती है। और एक बार इन दोनों फोनों के मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये आपका वीवो का फोन है, इसमें लिखा हुआ है मॉडल बताया गया है Y18। यहाँ पे आपको फ्रंट टच OS दिया गया है, और 4GB रैम है 4+ है, प्रोसेसर लिखा हुआ है 2.0 GHz ऑटा कोर, एंड्रॉइड वर्जन लिखा है 14 दिया गया है। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रंट टच OS। और वही जो सैमसंग का फोन है इसमें आप देख पा रहे हैं 1 UI कोर वर्जन दिया गया है 5.1, एंड्रॉइड वर्जन इसमें 13 दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों फोनों के कैमरे की। इन दोनों फोनों में जो आपका सैमसंग का फोन, इस फोन का जो आपका रियर कैमरा दिया गया 50 MP का दिया गया है, और उसके साथ बात करते हैं इस फोन के दूसरे कैमरे की। इस फोन आपको जो दूसरा कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है, और वही इस फोन आपको जो तीसरा कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 2 MP का डेप्थ कैमरा दिया गया है। और बात करते हैं सैमसंग के फोन की सेल्फी कैमरे की, यहाँ पे आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और वहीं बात करते हैं वीवो के Y18 4G फोन के कैमरे की, तो यहाँ पे आपको बैक में 50 MP का रियर कैमरा दिया गया है। उसके साथ बात करते हैं इस फोन के दूसरे कैमरे की, यहाँ पे आपको 0.08 MP का कैमरा दिया गया है। और उसके साथ बात करते हैं इस फोन की सेल्फी कैमरे की, यहाँ पे आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं दोनों फोनों की कैमरा क्वालिटी की, तो मैं फुल साइज पे मैं कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे हैं, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सैमसंग के फोन की कैमरा क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो सैमसंग का फोन का सेल्फी कैमरा है, ये आपका 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ वीवो के फोन में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फीचर की बात करते हैं, सैमसंग में पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ आपको वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, मोर का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, नाइट माइक्रो हाइपर लेंस स्लो मोशन प्रो फोट ऑप्शन मिलता है। और वहीं बात करते हैं वीवो के फ़ोन की, यहाँ पे भी आपको कुछ फीचर देखने को मिलते हैं। और दोनों फ़ोन के जो बैक कैमरे हैं वो 50 MP के हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी मैं सैमसंग के फ़ोन 50 MP पे आप देख पा रहे हैं क्लिक कर रहा हूँ 50 MP, और वहीं जो वीवो का फ़ोन है इसमें 50 MP पे क्लिक कर रहा हूँ, जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं दोनों फोनों की 50 MP से पिक्चर कैप्चर है। दोस्तों बात करते हैं वीवो के फोन की सेंसर की, इस फोन आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, उसके साथ आपको मिलता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिया गया है, प्रॉक्सिमीटर सेंसर दिया है, कंपास दिया गया है। और वहीं जो आपका सैमसंग का फोन है इसमें आपको एक सेंसर एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, उसके साथ एक्सेलेरोमीटर मिलता है, प्रॉक्सिमीटर दिया गया है, कंपास दिया गया है, और इसमें आपको जायरो मिलता है, इसमें आपको जायरो नहीं दिया गया है। बात करते हैं वीवो के फ़ोन की कलर की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फ़ोन का कलर है ये आपका जेम ग्रीन कलर है, उसके साथ इस फोन का जो दूसरा कलर आता है स्पेस ब्लैक कलर आता है, जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स पे दिख रहा है। अब दोस्तों दोनों फ़ोनों का जो प्राइस है सेम प्राइस है, 8,999 रुपये की रेंज में दोनों फ़ोन ही आते हैं, आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन में आपको और भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M14 4G उसके साथ वीवो Y18 4G दोनों फोनों में आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा लुक वाइज, और दोनों फ़ोन का प्राइस सेम है, आपके 9,000 रुपये की रेंज में फ़ोन आता है, तो आप कौन सा फ़ोन खरीदना पसंद करें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको इन दोनों फ़ोनों में कौन सा फ़ोन अच्छा लगा लुक वाइज प्राइस वाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, मिलते हैं न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।